लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें सबसे पहले न्यूज़ देखने के लिए। दोस्तों, पहले तीन तलाक से आज़ादी, अब मुस्लिम बच्चियों के लिए मोदी सरकार दे रही है बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, वीडियो पर लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर शेयर कर दें। कल ही मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से आज़ादी दिलाई है और आज मुस्लिम बच्चियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। दरअसल मोदी सरकार मुस्लिम लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए भी कई बड़े काम कर रही है ताकि वे पढ़े लिखे और अन्य वर्गों की महिलाओं की तरह समाज में अपनी जगह बनाए। अभी मुस्लिमों में महिला शिक्षा पर उतना जोर नहीं है। मोदी सरकार ने अपने मौजूदा कार्यकाल में 2.5 करोड़ मुस्लिम बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति देने का फैसला लिया है। मतलब यह है कि हर साल 50 लाख बेटियों की किस्मत संवारने के लिए पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक हर योजना में छात्राओं के लिए न्यूनतम 30% सीटें निर्धारित की गई है। हालांकि छात्रा लाभार्थियों की भागीदारी 50% से अधिक, इसका लाभ लेने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बना दिया गया है। मैट्रिक से पूर्व स्कॉलरशिप योजना। सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्राओं को मिलेगी जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक न हो और उसने पिछली क्लास में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों।